क्या हो गया विशाल सर, जोर नहीं लग रहा क्या? अरे कहाँ जोर यार, जब डाइट ही नहीं है प्रॉपर तो कहाँ से जोर लगेगा। सुबह परौंठे खाने, दोपहर को दाल चावल, तो ऐसे में जोर आएगा? प्रॉपर डाइट हो तो मजा आए। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। आओ आज आपको ना प्रॉपर डाइट करवाता हूँ। यहाँ पे ना टैग यूएसए के नाम से ना एक नया आउटलेट खुला है, जो कि ना जिम डाइट वगैरह और भी अलग अलग तरीके की डाइट जो है ना वो सारी प्रोवाइड करवाते हैं। चलो फटाफट से वहाँ चलते हैं, उससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अभी हमने लगा दी गाड़ी अपनी यहाँ पे मेन रोड वीआईपी रोड पे, और देखो सामने ना हमारे पास यहाँ पे प्रताप शॉपिंग सेंटर है, जैसे देख सकते हो, एड्रेस बता रहा हूँ बेसिकली। और इसके ठीक अपोजिट ना आपको यहाँ पे दिखेगा टैग यूएसए का लोगो। ये देखो, ये है वो आउटलेट जहाँ पे ना आपको ये सारी की सारी डाइट जो है वो मिलने वाली, जिसमें शेक्स मिल जाएगा, पिज्ज़ा मिल जाएगा, पास्ता मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएंगे, कॉम्बोज मिल जाएंगे। अंदर चलते हैं, ओनर से बात करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं, और खा के देखते हैं, है ना। आ जाओ, यहाँ देख सकते हो जो आउटलेट ना बड़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ, अंदर इंटीरियर जो है ना बहुत अच्छा बनाया हुआ, देख सकते हो सामने आपको बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक मिरर मिलता है जहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट, बेसिकली सेल्फी पॉइंट ही है ये, देखो आई लव टैग यूएसए, यहाँ पे बैठ के ना आप अच्छे से यहाँ पे सेल्फी जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, किसी के साथ भी आ रहे हो, यहाँ पे ना मस्त सेल्फी जो है वो खिंचवा सकते हो। देखो ये चीज़ें ना होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बंदे को ना एक आउटलेट के अंदर, है कि नहीं। और ये देखो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे मेन्यू जो है वो लगा हुआ है, आप मेन्यू में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई जिम डाइट खाने चल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रैप है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, शेक्स हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ हैं, क्रशर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो बोलोगे ना वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो जिस तरीके का आप चाहते हो ना उस तरीके का मिल जाएगा। हमारे साथ हैं शुभम जी, जिन्होंने ये फ्रेंचाइजी यहाँ पे खोली हुई है ना सर, फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी क्योंकि ये ना नाम मैंने सुना था टैग यूएसए, बिल्कुल अलग सा ही कुछ नाम है। हाँ जी हाँ जी। तो ये बाहर की फ्रेंचाइजी है? हाँ जी हाँ जी सर, कनाडा की है और यूएस में, उसके बाद हमने इंडिया में फिट करना शुरू किया। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे 8,000 इससे पहले हमारा मोहाली में है और 9 फेस में है, वी आर पंजाब मॉल में, अनंतपुर साहिब और खरड़ है। अच्छा हाँ जी, इसके बाद लुधियाना पटियाला कमिंग। क्या बात है, आपके मतलब हर जगह आपने जो अपना एक ब्रांड है, वैल्यू है, वो बना लिया है ना। और यहाँ पे बताइए सबसे पहले तो मिलता क्या क्या, क्योंकि मैंने जैसे दोस्तों को बताया कि भाई हम तो हेल्दी खाने आए, देखो जिम डाइट के हिसाब से मिला है, मगर इसके अलावा भी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा भी हमारे सारी चीज़ें मिलती हैं सर, बेसिकली हेल्थ फूड में हमारे पास वेज डाइट्स हैं, नॉन वेज डाइट्स हैं, ओके, और बहुत रिफाइंड मेन्यू है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट जो भी है जिसमें सारा कुछ है। लाइक अगर आप जिम डाइट लेते हैं तो उसमें सर 160 ग्राम चिकन रहता है, ओके, ठीक है, बाकी में क्लासिक वेजिटेबल्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जिसमें आइसबर्ग हो गया, लेटस हो गया, ब्रोकली होगी, राइट, बीन्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, जितने भी क्लासिक एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो डलती हैं, ओके, ठीक है, रेड कैबेज हो गया, ठीक है, ये सारा फ्रेशली, और किचन का भी लाइव एक्सेस है, आप जाके अपना मील देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना, और सारा क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि कितने ग्राम क्या क्या चीज डालनी है। अच्छा, वो मेजर रिफाइंड मेन्यू, यानी कि अगर आप भी अपना मेन्यू बनाना चाहें तो सेम ही बनेगा, इतना रिफाइंड मेन्यू हमने उस हिसाब से रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कॉम्बोस भी हैं, मतलब कॉम्बोस भी है हमारे पास, वेज कॉम्बो भी है, नॉन वेज कॉम्बो भी है, फैमिली बंडल भी है, पिज्जा, पास्ता और गार्लिक ब्रेड, एक कैलाजोन आजकल चला हुआ है सर, ठीक है ना, तंदूरी पनीर कैलाजोन है, बारबेक्यू चिकन का कैलाजोन है, वो सारे कैलाजोन की वैरायटीज भी हमारे पास अवेलेबल है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं किचन के अंदर, यहाँ पे देखिए हमारे जो गार्लिक ब्रेड है ना वो तैयार हो रहा है, तो ये हमारा डो तैयार है। पहले हम सर इसको बेल के इसकी स्टफ करके इसको पैन में रख लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे। अच्छा, ये हमारा कैलाजोन है और ये हमारी गार्लिक ब्रेड है, अभी इनमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके गार्लिक ऑयल की, ओके, तो इसमें ऑयल में गार्लिक वगैरह सारा फ्लेवर्ड है जी, गार्लिक इसमें फ्लेवर्ड है आपका, और उसके बाद हमने चीज ब्लेंड यूज करेंगे। वाह, ये देखो दोस्तों यहाँ पे चीज ब्लेंड जो है, चीज ही होना चाहिए गार्लिक ब्रेड और ये चीज ब्लेंड के बाद आपकी जो रहेगी वेजेस डलेंगी, गार्लिक स्टफ ब्रेड में आपके अनियन जाएंगे, ओके, उसके बाद आपकी कैप्सिकम रहेगी, ये सारा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली होता है, ओके जी, उसके बाद आपके थोड़े से एलिपिनोस जाएंगे, अमेरिकन कॉर्न्स जाएंगे उसमें, और लास्ट में आपकी जो रहेगी मोज़रेला चीज रहेगी। वाह, मोज़रेला चीज के बिना तो मतलब एक खाने का जो मजा है ना वही नहीं आएगा, है ना, मेन बेस यही है सर जो आपको टेस्ट देगा मोज़रेला चीज। वेरी नाइस, तो मतलब वेजिटेबल्स और चीज का जो ब्लेंड होता है बहुत ही लाजवाब होता है ना। जी सर जी बिल्कुल। इन सभी हेल्दी डाइट्स के अलावा हमारे पास एक और डाइट है जिसमें राइस मील ऐड की गई है, जिसमें 100 ग्राम राइस होते हैं, 100 ग्राम चिकन और बाकी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, और उसके ऊपर एग की गार्निशिंग एंड वेजिटेबल्स की गार्निशिंग होती है, जो कि जिम डाइट वालों की स्पेशल डिमांड थी कि हमारे को कार्ब्स के लिए एक मील दी जाए, तो उसके लिए राइस ऐड किए गए हैं, और ये कॉस्ट करता है आपको 200 रुपीज़।
पहले जो उनकी स्टफिंग करेंगे बाउल लेके, उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े से अनियन और थोड़े से कॉर्न, हल्का सा पनीर डाल देंगे। पनीर कैलेजोन सर बनाने जा रहे हैं हम, ये हमारी सीक्रेट सॉसेज हैं, ये 3 नंबर सॉस है। अच्छा, इनकी नंबरिंग है? हाँ, नंबरिंग है सर, कंपनी है ना उनकी, सीक्रेट रेसिपी है ये, आपकी स्पाइसी सॉस है। तो मतलब ये जो टेस्ट है सिर्फ इसी ब्रांड में मिलने वाला है, और कहीं नहीं मिलेगा? और कहीं नहीं मिलेगा सर, ये स्पेशल टेस्ट है ये। अभी सर हम इसको वेजिस को मिक्स कर लेंगे, मिक्सअप करके अभी हम इसको स्टफ कर देंगे इसमें जो हमने बेस रेडी किया है। उसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, मोज़रेला चीज़ के बाद हल्का सा हम चीज़ ब्लेंड का शॉट डाल देंगे इसमें, और इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, सेम इसको ऐसे बंद कर देंगे। 5 पीसेस रहेंगे इसमें, उसमें कट लगा के फिर से हम इसमें ऑयल की ब्रशिंग कर देंगे ऊपर से, जो गार्लिक ऑयल हमने रेडी किया था उसकी अभी ब्रशिंग कर देंगे इस पर, हल्की हल्की ब्रशिंग करनी है। उसके बाद हम लास्ट में बस इसमें ओरिगेनो स्प्रिंकल करना है, ओरिगेनो स्प्रिंकल करके अब हम उनको दोनों को 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए ओवन में डाल देंगे। तो विदिन 5 मिनट्स हमारा ये दोनों रेडी, विदिन 5 मिनट्स दोनों ऑर्डर रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा चिकन सैलेड, इसमें आपकी कैप्सिकम रहेगी, आपके अनियंस जाएंगे, रेड पेपर जाएगा, येलो पेपर रहेगा, और उसके बाद हम इसमें कॉर्न्स डालेंगे, एलोपिनोज और ऑलिव्स, और हम 30 ग्राम इसमें ब्रोकली डाल देंगे। ब्रोकली डालने के बाद हम इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे, मशरूम ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल करके, उसके बाद हम चिकन ले लेंगे जो हमारा ग्रिल चिकन है, फैट फ्री और ऑयल फ्री, और ये चिकन आपका एक मील में 160 ग्राम चिकन जाएगा, पर मील में आपका वेजिस के साथ 160 ग्राम चिकन जाएगा। आप देख भी सकते हो हम हर एक चीज़ वेज कर वेट करके डालते हैं, चिकन जो सर रहता है हमारा बोनलेस रहता है, चिकन ब्रेस्ट डाइट यूज़ करते हैं, चिकन रहेगा उसको हम सैलड में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें लो फैट सॉसेज डाल देंगे। अच्छा, ये सॉसेज भी लो फैट है? लो फैट सॉसेज डालेंगे इसमें। अच्छा, ये जो कोई बनवाना चाहता है स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, वो अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं? जी सर, वो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करवा सकते हैं जैसे मर्जी, बट ये हमारा जो रेसिपी है जो हम लोगों की है, भी कस्टमर इजीली जो अपना टेस्ट है वो खा पाए, ताकि उनको खाने में थोड़ा रूखा रूखा ना लगे। जैसे अब देखते हो कि घर में लोग बनाते हैं तो उनको, और भी कई आउटलेट्स पे जाते हैं, उनको कोई टेस्ट नहीं आता, तो ये हमारा टेस्ट के साथ जो है ना जिंजर आइटम प्रेफर करते हैं। लेटस वो ऐड कर देंगे। अच्छा शुभम जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे हम तो यहाँ पे आके डाइनिंग हमने कर लिया बेसिकली, एक दिन की बात है, मगर कोई हमारे फ्रेंड्स हैं जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है मंथली, क्योंकि जिम कर रहे हैं तो देखो यार डेली डेली या फिर वीकली होता है कि कुछ खाया जाए, है ना, तो उसके लिए भी फैसिलिटी है? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल है उसके लिए फैसिलिटी। जैसे कि आप चिकन डाइट वगैरह लेते हैं, चिकन डाइट जैसे 249 की है, चिकन विद रोस्टेड वेजेज है वो 279 का है, और पावर हाउस प्रोटीन जैसे कोई वेज में ट्यूजडे जैसे नहीं लेता वो भी 249 समथिंग का है। तो अगर आप मील के हिसाब से होते हैं तो वो 220 रुपीज़ की डाइट पड़ती है, ठीक है, चाहे वो 15 डेज के एडवांस दे दीजिए चाहे मंथली एडवांस दे दीजिए, जैसे चाहेंगे। आप डिलीवर भी करवाना है या कस्टमर नहीं आ सकता है, कस्टमर डिलीवर कराना है वो भी हो जाएगा। ओके, तो मतलब मंथली बेसिस पे भी सब्सक्रिप्शन मॉडल हमारे पास है, जिसमें प्राइस कम हो जाता है और डेली के हिसाब से जैसे भी रिक्वायरमेंट है आप उसको प्रोवाइड। अगर आप 15 डेज के पैसे दिए आज ली, उसके बाद आप 3-4 दिन बाद देना चाहते हैं या कंटिन्यूसली लेना चाहते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं जो हमने बनवाया है बेसिकली वो कैसा टेस्ट करता है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें कि गार्लिक ब्रेड जो हमने बनते हुए देखा वो है, और साथ ही साथ यहाँ पे ओरियो शेक जो है वो लगवा लिया है, और ये दोनों चीज़ें आ गई दोस्तों हमारे पास, कैलेजोन जो हमने बनते हुए दिखाया जैसे मैंने आपको गार्लिक ब्रेड दिखाया था, साथ ही साथ यहाँ पर चिकन जो है वो सैलड में जो है वो भी आ गया, सॉटे किया गया था हल्का सा वेजिटेबल्स को, और ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तीनों क्या बेसिकली चारों चीज़ें, जिसमें कि हमारे पास ओरियो शेक हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, कैलेजोन हो गया और चिकन सैलड हो गया। सुभाषी भाई ले आया है ना आपको अच्छी जगह पे हैं, आओ अब एक एक करके ना ये चीज़ें ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना देखो आप तो खाओगे नहीं नॉन वेज, है ना, तो मैं तो खाऊंगा, पहले वेज ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद नॉन वेज पे आऊँगा ताकि आपका जूठा ना हो, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो ये है हमारा गार्लिक ब्रेड, यहाँ से बाइट लेते हैं। ओ आओ जी, ये देखो चीज़ी पुल के साथ कितना बढ़िया यहाँ पर हमारा गार्लिक ब्रेड। सो आओ यार, अब रहा नहीं जा रहा,
टेस्ट कर लेते हैं, भूख भी लगी बड़ी ज़बरदस्त। ऊपर से जो क्रस्ट है ना, बड़ी सॉफ्ट गार्लिक फ्लेवर वाली हो गई है, और अंदर स्टफिंग देखो आप भाई, मैं खोलना नहीं चाहता, मगर स्टफिंग आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या बढ़िया तरीके का चीज़ और सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो डाली गई हैं। दूसरा आइटम ना हमारे पास आ जाता है ये, अच्छा इसकी स्टफिंग चेकआउट करो ज़रा एक बार, ये देखो भाई देख रहे हो, फुल ऑन चीज़ और स्टफिंग जो है पूरे वेज वाली जो है वो की गई है। तो एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसे। आहा, गर्मा गर्म है भाई, मुंह नहीं जलना चाहिए। अच्छा देखो, पर ये जो कोटिंग थी वो सेम थी ऑलमोस्ट, मगर स्टफिंग का फ़र्क था। अंदर इसमें जो स्टफिंग की गई है उसमें चीज़ वगैरह डाल के, मेयोनीज डाल के ना वो डाला गया था, इसमें पहले मैरिनेट है, पनीर भी डाला हुआ है, और सारी चीज़ें मिक्स करके इसको कोटिंग करके मतलब क्लोज करके, और उसके बाद बेक किया गया दोनों चीज़ों को। दोनों ही चीज़ें अपने आप में ना बिल्कुल डिफरेंट हैं और यूनिक हैं, बहुत ही बढ़िया। और तीसरे आइटम जो हमारे पास वो आ जाती है हमारे पास चिकन सैलेड। ये देखो एग्जॉटिक चिकन सैलेड, यानी कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के साथ मैरिनेटेड चिकन जो था वो था, और वो सर्व किया गया साथ में, लेमन हो गया, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स हैं ये डाले गए हैं। अच्छा जो इन्होंने सॉसेज भी डाली है ना वो लो कैलोरी वाली सॉसेज हैं, मगर जो रेगुलर यूज़ में होती है वो नहीं डाली, जो अलग से इनके खुद की जो रेसिपी है वो डेवलप की हुई है वो वाले सॉसेज इन्होंने डाले हैं। तो वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छे क्रंच आ रहा है उनका, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल का, जैसे ये देख सकते हो इनका क्रंच है, और चिकन का जो मैरिनेशन है ना वो प्रॉपर तरीके से किया हुआ, मसालेदार चिकन ना, बढ़िया। तो ऋषि भाई मज़ा आया डाइट में कि नहीं आया? अरे भाई मज़ा आ गया यार, डाइट पे खाओगे आके? बिल्कुल यार, डाइट प्रॉपर मिल रहे तो क्यों नहीं खाएंगे, है ना? अब लगेगा हमारे जिम के अंदर दम है कि नहीं, अब उठाएंगे डंबल, अब उठाएंगे डंबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मज़ा आया कि नहीं आया? भाई मुझे तो आ गया भाई, पेट फुल हो चुका है और डाइट जो है ना आज की ले लिया। और दोस्तों अगर आप भी जिम डाइट लेना चाहते हो ना, जिम जाने के बाद आप भी सोचते होगे यार कहाँ खाएं कहाँ खाएं, तो मैं सोल्यूशन लेके आ गया हूँ टैग यूएस से। अगर यहाँ पे आके आप करना चाहते हो और मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, भाई सबसे खास बात है कि आप कभी ना मतलब दिक्कत नहीं रहेगी, रोज़ यहाँ पे आके खा सकते हो। तो चलिए कुछ और नया ढूंढ के लाते हैं जीरकपुर से, आप आइए यहाँ पे अपनी डाइट बनवाइए और कुछ और नया स्वाद ढूंढते हैं आपके लिए, है कि नहीं? मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो और ढूंढ रहे हैं ना भाई इस तरीके की डाइट, उनके लिए इजी हो जाएगा, है कि नहीं? चलो मिलते हैं दोबारा, अभी के लिए बाय बाय।